Welcome you all to the next session of marketing management. This will be the last session for your chapter number 3 of your marketing management, that is constraint in marketing or marketing planning. Basically, constraints are the hurdles which restrict the company to achieve its objectives with respect to marketing planning. मार्केटिंग प्लानिंग में कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो कंपनी के मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने से रोकते हैं. क्लियर टू इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, दैट इज़ कंस्ट्रेंट इन मार्केटिंग प्लानिंग. मार्केटिंग पर्सनल्स यूज द टर्म कंस्ट्रेंट टू रेफर टू फैक्टर्स दैट हाइडर द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू अचीव इट्स मार्केटिंग गोल्स. Constraints can affect any element of marketing mix, product, price, place or promotion. Common constraints include budget limitation, product that do not meet the market's need, price that do not adequately represent the value, lack of access to the product and ineffective promotion. कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो मार्केटिंग के मिक्स के हर प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं या कोई एक प्रोडक्ट को भी अफेक्ट करता है. बट मार्केटिंग कंस्ट्रेंट जो है ये सब प्रोडक्ट्स के सब एलिमेंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि प्रोडक्ट जो मार्केट के डिजायरमेंट नहीं है, देन बजट, लिमिटेड बजट, देन प्रोडक्ट दैट डू नॉट मीट द मार्केट नीड, प्राइस दैट डू नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंट द वैल्यू. क्लियर टू इट? फर्स्ट वन है लिमिटेड बजट. लिमिट बजट इज ऑलवेज द नंबर वन कंस्ट्रेंट इन अ मार्केटिंग एंड्योरेंस. लिमिटेड बजट के वजह से मार्केटिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती है और हमें बहुत कोताही करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ता है. सम्स टाइम ड्यू टू लिमिटेड बजट वी कैन नॉट रीच टू द डिजायरेबल कंज्यूमर्स और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर और टारगेटेड ऑडियंस एंड दैट कैन अफेक्ट द सेल्स ऑफ द कंपनी. One of the most one constraint in any marketing endurance. It is variant you would have any problem getting your message or your product in front of your large market. You could send free samples to anyone. Buy shelves safe is every store you could find. Run as many tests and focus group as you wanted. And you promote yourself through as many channels as you could imagine. But marketing budget are never unlimited. Of course, major constraint tends to flow from the fact itself. Next, product that do not meet the market need. Product cannot be developed in a vacuum. They need to reflect the needs and the desire of the marketplace. देखो, product that does not meet the market need का मतलब क्या है? हम product ला रहे हैं market में, लेकिन market में उसको need नहीं है. ऐसे product भी constraint बन सकते हैं marketing के लिए. But ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती जो मार्केट के लिए नहीं चाहिए, मार्केट में चाहिए नहीं है, और वैसे प्रोडक्ट का बनाकर कंपनी क्यों अपना लॉस करेगी. प्रोडक्ट दैट डू नॉट मीट मार्केट नीड्स रिप्रेजेंट अ मार्केटिंग कंस्ट्रेंट दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द सेल्स. इवन इफ इनिशियल सेल्स आर हाई, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कैन डिराइव फ्यूचर सेल्स डाउनवर्ड. कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में उसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है तो सेल्स ज़्यादा होते हैं इनिशियल पीरियड पर. बट वंस द कंज्यूमर्स हैज़ कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड दे हैव अ नेगेटिव फीडबैक ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग द माउथ पब्लिसिटी एंड अल्टीमेटली द सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट गोज डाउन द ड्रेन्स और मार्केट में वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है. एंड एट दैट टाइम जो कंपनी ने प्रोड्यूस करके रखा है उसका डिमांड नहीं होता है, तो ये फिर उसके बाद कंपनी अगर कितना भी मार्केटिंग करे, द कंपनीज प्रोडक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मार्केट बिकॉज ऑफ नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी. कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर टू टेक स्टेप टू ट्रूली अंडरस्टैंड वॉट कंज्यूमर वैल्यू एंड इट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज that reflects the needs. Price that do not adequately represent the value. Pricing is as much an art as a science. There are a variety of methods that can be used for pricing product and services, from cost-based pricing to pricing what market will bear.
इम्पॉर्टेंटली लो प्राइस आर नॉट नेसेसरीली द बेस्ट एंड विल नॉट नेसेसरीली लीड टू द हायर सेल्स. प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द वैल्यू टू द टारगेट ऑडियंस एंड मच ऑल्सो अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड. प्राइस पॉइंट फॉर Hyundai's and BMW's, for instance, reflect the different brand identities. Lack of access to the product. A key constraint for marketer is the ability to get the product into the hands of the target consumer. A high quality product at a good price point that is not readily accessible will obviously have a negative impact on sales. Marketer must carefully plan and implement their own marketing efforts to ensure that sample product is readily and conveniently available to the consumers. This means working closely with all distribution channels, whether traditional bricks and or mortar or on online. Ineffective promotion. Next one is the ineffective promotion. Marketers promotional material which clearly reflect the attributes of the products and service being sold to the consumer, both in term of the content and design. Promotions that are not targeted to the appropriate audience or delivered through communication channel that largest audience represent a significant constraint. In addition, promotion that covers promises to reflect brand or product attribute can result in significant dissatisfaction for consumers. The dissatisfaction that results when brand promises do not match product service attributes results in the negative word of mouth that can represent a single constraint. Clear to it? This was constraints, and this is the last lecture for your chapter number 3, and from the next sessions we will be starting with the chapter number 4, that is marketing research. Clear to it? Okay, thank you all. Thank you. Be at home, be safe. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all.